That's 20 quid for the pizza, right? ये मुझे पिज्जा डिलीवरी बॉय समझने के लिए और ये मुझसे मेरी बेटी चुराने के लिए। हमें देखकर सरप्राइज नहीं हो? शॉक्ड है। कम ऑन, हमें अपने गेस्टों से मिलवाओ एंड कीप द चेंज सिली बॉय। मुझे नहीं पता था देयर इज अ पार्टी हियर। और ये लोग कौन है? I've never met them before. नहीं, कुछ नए कलीग्स हैं राज, सोचा घर पे मिलेंगे, they'll get to know each other. Well done. नए कलीग्स के साथ साथ नया ऑफिस भी दिखा दे। मैं राधिका को संभालता हूँ, तू उसके डैड को संभाल। डैडी डैडी। Relax. You're like super tense. I'm a little ticklish, so stop it, please, please, please. And leave you stressed out like this? No way. Okay. Uncle, this is Jerry. Next friend, best friend. Suresh Awasthi, nice to meet you. Radhika akshar tumhare baare mein baat karti hai. Wake me up before you go. No, not now. Continue your priceless. Come on. Actually, it's 200 pounds an hour. Kya kehti hai Radhika ji mere baare mein? Radhika kehti hai ki tum ek number ke bakwas, behuda, badtameez, a little lower please. Jahil kisam ke insaan ho. Waise mujhe tumhare jaise log bahut pasand hai. Thank you uncle. Waise ek baat kahun? आपकी बेटी राधिका आपके जैसे बिल्कुल नहीं। बेटा, भगवान ने राधिका को शक्ल जरूर मेरे जैसे दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्ल उसकी माँ जैसे दी है। Cherry, hop on. Let's go for the ride of her life. Come on. Okay, Cherry, you don't look so heavy, huh? Because it's not Cherry, it's Jerry. Jerry! Here's your drink. Thank you. You know what? Nick has the finest body at work. Excuse me? Finest body of work, rats. मेरी clients के लिए बहुत ही impressive है। They just love him. तुम इतना modest मत बनो, Nick. अच्छा, और तुम क्या करती हो? अबे introduce करना भूल गया। राधिका मेरी girlfriend है। Fiance. Fiance. बहुत दिल तोड़ने वाले हो, Nick. मेरे सामने तुम्हारे साथ flirt कर रही थी। लड़कियां मरती हैं मुझपे। Jealous? अगर मर ही रही है तो प्रॉब्लम नहीं है ना? सुरेश अवस्थी, आपकी तारीफ की नहीं जा सकती, बहुत टाइम लगेगा। मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। मुझे खाली ग्लास पसंद नहीं। यस सर। आप जरूर निक के बॉस होंगे। मैं दूर से लोगों के टैलेंट को पहचान लेता हूँ। वाह, ब्यूटिफुल हेड, बेबी ऑयल। मेरी कंपनी को आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे मैं रिटायर्ड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी काफी फिट लगते हैं आप। कभी वक्त मिले तो आ जाइए। ये रहा मेरा कार्ड। अरे गुप्ता, मैं रख लेता हूँ ये कार्ड। ये रहा आपका ड्रिंक। He is a good boss. Very good boss, sir. Baby oil. Yes, sir. I like him. I like him too. राज, आज के डैड स्टॉप हिटिंग मी। सर, आप कुछ पी नहीं रहे? सर, मेरी बेटी से शादी करने वाले हो, कॉल मी डैड। सेलिब्रेशन टाइम फ्रेंड्स, हंटर की शादी होने वाली है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, निक और मेरी बेटी राधिका भी शादी करने वाले हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपका दामाद हमारी एजेंसी के प्लैटिनम क्लब में प्रमोट हो गया है। एक इंसान की पहचान उसके दोस्तों से की जा सकती है। आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। Can you feel the love tonight? Woo! Darling, तुम्हारे और हंटर के शादी की खुशी में हमारे एजेंसी के लोग फ्री में नाचेंगे। मतलब? मतलब इनका कहने का मतलब है कि सब लोग फ्रीली नाचेंगे, खुल के नाचेंगे, खुशियों से नाचेंगे, ओपन ओपन। नहीं, क्यों तुम्हें हंटर क्यों बुला रहे? Because he hunts his clients down, baby. I am so proud of you. Good choice, Soman. Boy. Oh. बस थक गए। अरे, हमारे जमाने में लड़कियां इतनी जिद्दी और अड़ियल हुआ करती थी, पर हमें मनाना आता था। तुम्हें क्या लगता है कि ये रोमियो और मजनू भी तुम्हारी तरह गिड़गिड़ाते थे? वो मेल स्कॉट्स भी तो नहीं बने थे, और अब फायदा भी नहीं है। राधिका मुझसे प्यार नहीं। अरे, प्यार करती है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने ही तो उसे पाल पोस कर इतना बिगाड़ा है। So there's hope? Of course there is hope. ये मेरी शुभकामना है मेरी बेटी का दिल जीतने के लिए। Thank you, sir. और ये उसका दिल तोड़ने के लिए। Sorry,
एक थप्पड़ मारना तो बाप का फर्ज बनता है, नहीं तो उसकी माँ बुरा मान जाएगी। मिस यू गायत्री। सॉरी आंटी। सॉरी अंकल। बोलो। सॉरी अंकल। यस, एक रात घर के बाहर गुजारने से जिंदगी भर का प्यार नहीं मिलता है। प्यार उससे मिलता है जो जिंदगी भर घर के बाहर इंतजार करने के लिए तैयार हो। तो आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? अगर तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ तो तुम बहुत अकलमंद हो। आई रियली लाइक यू अंकल। नो नो, नॉट इन द मैनर माई डॉटर लाइक्स यू। डोंट गेट एम्बिशियस निक। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे बेटा चिल्ला क्यों रही हूँ? मैं यहाँ हूँ, बीआरपी ने आया था इसके साथ। डैड आप पुलिस को फोन करिए, ये हमारी प्रॉपर्टी पे इलीगली ट्रेसपास कर रहा है। ये हमारा पार्किंग स्पॉट है डैड। आप बोल रहे हो कि मैं बोलूँ? मैं बोलता हूँ बेटा, आज सुबह मैंने इसको पार्किंग स्पॉट बेच दिया। राज, डैड को पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने फूफू को भी खरीद लिया। फूफू? फूफू माय बेबी। वो तुम्हारी तरह नहीं है, एक बार जो इसे कमिटमेंट दे दी तो ये खुद की भी नहीं सुनता। बेटा इसने ड्राइंग रूम को अपना बाथरूम बना दिया और बाथरूम को अपना बेडरूम। डिसगस्टिंग फेलो। आप इसकी मदद कर रहे हो? अनबिलीवेबल डैड। राज, बेटा रिसेशन में इंसान से गलती हो जाती है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने पार्किंग स्पॉट भेजा और इसने अपने कपड़े उतार दिए। सिली बॉय। निक, लगता है आज रात को मुझे तुम्हारे साथ यही सोना पड़ेगा। अंकल। नो नो, डोंट गेट एम्बिशियस, कम ऑन गेट इन। कॉफी। पापा क्या मैं सेल्फिश हूँ? किसने कहा तुमसे? निक ने। निक ने कहा तो सही होगा। आप हमेशा निक की साइड लेते हो। राधिका, अगर निक परफेक्ट नहीं है तो तुम भी परफेक्ट नहीं हो। प्रॉब्लम यह है कि हर रिश्ते में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हम माफी नहीं मांगते। मैंने भी तुम्हारी माँ का दिल दुखाया था, लेकिन माफी मांगने में देर कर दी। माफी से प्यार बढ़ता है, और फिर हर रिश्ते में एक गलती तो माफ होनी चाहिए ना? नहीं? Don't worry, everything will be fine. Relax. Good morning. Good morning, Daddy. Late for exercise. Sorry, sorry. No music. Don't worry, Dad. आप ही हैं. Hi. Yeah. आज तुमसे एक बात करनी है. कहिए. तुम्हें पता है तुम्हारी माँ की उम्र क्या थी जब उसकी शादी हुई थी मेरे साथ? वो लगभग तुम्हारी उम्र की रही होगी, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए। क्यों? अब आपके लिए बोझ बन गई हूँ? अले अले, मेरा बच्चा मेरे साथ 7 जन्म तक रहेगा तब भी बोझ नहीं होगा। इतनी अच्छी बच्ची हो सकती किसी की इस दुनिया? वो तो क्या ना कि हमारी परंपरा है कि बेटी बाप के पास किसी दूसरे की अमानत होती है, एक ना एक दिन किसी दूसरे के घर जाना होता है। इसलिए कह रहा था मैं, कोई लड़का है तेरी नजर में? कोई लड़का नहीं। अच्छा, मेरी नजर में एक लड़का है। कौन? वो कल रात जो पार्टी में दिल्ली वाले मल्होत्रा साहब मिले थे ना, उनका बेटा रोहित। यूरोप में गारमेंट्स का बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। इनफैक्ट बचपन में तुम उसको जानती थी, याद है हम छुट्टियों के लिए नैनीताल जाया करते थे? वहाँ एक फार्म हाउस था और एक छोटा सा लकड़ी का घर था। मुझे याद नहीं। वैसे मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि रोहित तुम्हें अभी तक नहीं भूला, अभी भी याद करता है वो। भगवान ने इतने सालों बाद शायद हमको इसलिए मिलाया है कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। तो हम लोग ये रिश्ता पक्का समझे? जी हाँ, क्या बात कर रही है, हमारी तरफ से समझो। हाँ है ना। मैं समझता हूँ कि एक बार आशी रोहित से मिल लेती तो बेहतर होता। ये रोहित सिंगापुर से वापस कब आ रहा है? वो कल सिंगापुर से स्विट्जरलैंड जा रहा है, वहाँ भी उसने गारमेंट की फैक्ट्री खोली है ना। और जैसे ही वो इंडिया वापस आएगा मैं उसको तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तब तक उसकी एक फोटो। दिल्ली जाते उसकी फोटो हम आपको जरूर भेजेंगे। मम्मे, आप मिठाई नहीं खा सकती है? अरे आशी की शादी पक्की हो रही है और मैं मिठाई भी नहीं खाऊं? आपको डॉक्टर ने मना किया ना मिठाई खाने के लिए? देखा तुमने, डॉक्टर माँ से ज्यादा प्यारा हो गया। बचपन में इसे अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से मिठाई खिलाया करती थी, आज ये मेरे मुंह से मिठाई छीन रहा है। क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था? भाई साहब,
खाने दीजिए ना थोड़ी सी, बेचारी अपसेट हो गई। नौटंकी है, नौटंकी ड्रामा कर रही है, आप फिक्र मत कीजिए, आप लोग खाइए। आशी मैडम, फोन फॉर यू। एक्सक्यूज मी, आज के बाद तेरी छोटी मैं कभी नहीं बनाऊ। अरे व्हाट नॉनसेंस जी, तुम रोहित मल्होत्रा से मिलने स्विट्जरलैंड जाओगी? डैडी, मैं रोहित से मिले बिना, उसे समझे बिना शादी नहीं करूँ। अरे तो मैं कब मना कर रहा हूँ? आहिस्ते बोलो। सॉरी डैड, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, उसे हिंदुस्तान आने दो, तो उससे मिल लेना। डैडी आप समझते क्यों नहीं, अरेंज मैरिज में लड़का लड़की के घर आएगा तो शरीफ बनकर ही आएगा, शराबी हो तो हाथ में बोतल लेकर नहीं आएगा। करेक्ट। जुआरी हो तो आते ही पत्ते बांटने नहीं लगेगा। राइट। और अगर किसी लड़की वड़की का चक्कर हो तो उसे साथ लेकर नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। इसलिए मैं स्विट्जरलैंड जाकर रोहित से मिलना चाहती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है स्विट्जरलैंड में तुम्हें अपना असली रूप दिखा देगा? मैं उसे बताऊंगी नहीं कि मैं कौन हूँ और स्विट्जरलैंड क्यों आई हूँ, नाम बदल कर मिलूंगी, तब पता चलेगा कि जनाब कितने पानी में हैं। आप मेरी कल की टिकट करवा दीजिएगा। ठीक है, मैं भी साथ में जाऊंगा। डैडी प्लीज, आपको देखकर क्या अपनी असलियत बताएगा? और मैं बच्ची नहीं हूँ, पहली बार अकेले बाहर नहीं जा रही हूँ। प्लीज राइट। हाँ। इसका रोहित से अकेले मिलना बहुत जरूरी है। बुक अ टिकट फॉर इमीडिएटली। मेरी तो इस घर में चलती नहीं ना, जैसी आपकी मर्जी डैडी। इट्स ओके। Thank you. Hello. Choti, please. Excuse me, आप मुझे देखकर तो नहीं हंस रहे ना? I'm talking to you, Mister. कुछ नहीं, बस आपके। क्यों? कभी किसी के बाल नहीं देखे क्या? देखे, मगर ऐसे सर पर नहीं देखे। एक बात बताओ, आपको ना छोटी नहीं जुड़ा बांधना चाहिए। What? गोल सर, गोल चार और गोल जुड़ा। Shut up and mind your own business, okay? okay, I'm sorry. You should be sorry. Control yourself, KK. Just control. One, two, three. Excuse me, मैं इनकी चोटी में फूल लगा रहा हूँ, खूबसूरती बढ़ जाएगी। You bloody chap, you bloody fool. Is it done? No sir. आओ ना, घबराओ नहीं। और हाँ, दादी को मिलते ही साष्टांग प्रणाम कर लेना। दादी आप मिल चुके हैं बाबी से। जीते रहो जीते रहो। हाँ बैठो, डैडी को बुलाती हूँ। तुम्हारी मम्मी कैसी? ठीक है एकदम। वो क्यों नहीं आई? आशी ने कहा था कि अंकल अकेले मिलना चाहते हैं। क्या नाम हुआ ये बॉबी? व्हाट काइंड ऑफ नेम इज बॉबी? लड़का पीछे से अच्छा लगता है, बाल भी लंबे, चोटी क्यों नहीं बनाता है? डैडी मैं चलता हूँ। एक मिनट एक्सक्यूज मी। कैसे हो बच्चे? अच्छा हूँ। बचपन में तुम्हें देखा था, तुम छोटे से थे। बहुत छोटा। हम तुम्हारी मम्मी को बहुत सालों से जानते हैं बेटा। हाँ। हमारे सारे बैंक अकाउंट जो हैं उन्हीं के बैंक में हैं। पता है। ये तुम अपना मुख क्यों छुपा रहे हो बेटा? शर्म आती है जी। मुझसे कैसा शर्माना बेटा। मैं भी तो देखूं हमारा जवाई कैसा लगता है। जी आपको क्या देखना, आपकी बेटी ने पसंद कर लिया। अरे खुद दिखाओ ना यार। बहुत शर्माता है। हाथ नीचे करो बेटा। ओके कोई बात नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। अच्छा मैं आके बंद कर लेता हूँ। आगे खोलो। Stay here, my baby. Mama, मेरा बाप। लगता है डैडी को तुम बहुत पसंद आ गए। पक्का? तो फिर अंदर क्यों गए? तुम्हारे लिए शगुन लाने गए होंगे। मम्मा डार्लिंग, मम्मा माय मम्मा। क्या कर रहा है? मर गया? डैडी वो तो भाग गया। भाग गया? अच्छा हुआ भाग गया, वरना कैलाशनाथ कपूर के हाथ से आज खून हो जाता। पर डैडी मेरी शादी। शट अप, उस उल्लू के पट्टे के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। अब क्या करोगे मेरे दोस्त? No problem, I will just... सर, मिस्टर बॉबी ओबेरॉय आपसे मिलने आए हैं। मैं किसी बॉबी ओबेरॉय नाम के आदमी को नहीं जानता।
और अगर दोबारा कोई कहे कि वो बॉबी ओब्राय है तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल देना, और वो फिर भी आ जाए तो मैं उसे गोली। नमस्ते जी। गेट आउट ऑफ दिस हाउस। सर, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दरअसल आपका हेयर स्टाइल तो एक्सीलेंट है, माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ना, इसलिए तो मैंने भी चोटी रख ली, आपसे छोटी है। मेरी चोटी का फिर से मजाक, निकल जा वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आपने गोली मार दी तो फिर आशी का क्या होगा? बेचारी जिंदगी भर कवारी रह जाएगी, आपको फांसी हो जाएगी, फिर अनाथ भी हो जाएगी। I say get out of this place. No, Daddy, जब तक आप हाँ नहीं कहते मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तुम नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक घर में दो चोटियां नहीं रह सकती हैं। No, never. लेकिन Daddy, please, Daddy. No. हाय रब्बा, उनकी कदर। मैं घर से दो दिन के लिए बाहर क्या गया? तूने शादी का रिश्ता ही तोड़ दिया। डैडी, उसने मेरे बालों का मजाक उड़ाया था। मजाक क्या उड़ाया? तेरी चोटी में एक फूल डाला उसने, कौन सी बुरी बात की? कोई आपके बालों में फूल लगाए आपको अच्छा लगेगा? खड़ा! चोटी काट कर तेरे हाथों में दे दूंगा मैं। डैडी, आशी बेटी, तू फिक्र मत कर, तेरी शादी बॉबी से ही होगी। हाँ, मैं गायत्री को आज ही फोन करता हूँ, उसे खाने पे बुलाता हूँ। अबे तू क्यों अपनी चोटी के साथ गुदगुदा रहा है? उस पंडित को फोन।